शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। से मिलना है, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। एक तरफ तो तानी मने सौम्य को एक और मौका दिया है और दूसरी तरफ डिवोर्स पेपर पे साइन भी करा दिए है। ये कैसी कोशिश हो रही है रिश्ते जोड़ने की या तोड़ने की? आदि भैया, इशाना सब दानी माँ के दिए हुए वचन से खुश नहीं है, परेशान है। परी दीदी, दवाई ले लीजिए। दीदी, कभी कभी जिंदगी की कड़वाहटों का सामना भी चुपचाप करना पड़ता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। परी दीदी, आजकल घर में जो भी कुछ हो रहा है मुझे पता है, उसकी वजह से आपको बहुत बेचैनी हो रही है। मैं आपकी बेचैनी समझ सकती हूँ। मैं सौम्य भैया की सगी बहन हूं, फिर भी तानी माँ ने जो कुछ किया, जो वचन सौम्य भैया को दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तानी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए उनके डिसीजन के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, सौम्य भैया या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भरोसे के काबिल नहीं है, सिवाय दादाजी के। वहां पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कल से उन 40 दिनों की शुरुआत होगी जिसका वचन दानी माँ ने सौम्य भैया को दिया था। परी दीदी, एक रिक्वेस्ट है, सौम्य भैया पर आंखें बंद करके विश्वास मत करना, इसे एक बहन की सलाह समझना। जी, आप इतनी परेशान कहाँ हैं? परेशानी की वजह बताने की जरूरत है क्या? उस सुरेखा ने सौम्य को जो 40 दिनों का वक्त दिया ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। सिर फटा जा रहा है मेरा, सोच सोच करके क्या करूं, कैसे करूं? वो बाऊजी, बाऊजी तो मेरे अपने है ही नहीं, एक मैं ही हूं जिससे मेरे बेटे की चिंता लगी रहती है। हमारे पास एक आइडिया है, संजना से बात काहे नहीं करती है? वो भी तो आप ही तरह सोचती है। सोचती थी वो, अब तो परी का भूत उसके सर पर भी चढ़कर बोलने लगा है। कहती है कि सौम्य और परी की खुशियों के बीच नहीं आना चाहती। बस
अपनी जिंदगी पर खुश देखना चाहती है। ये तो वाकई जादू हो गया है। आप एक काम काहे नहीं करती हैं? आप हमारे सेठ जी और मिस्टर अभय पराशर से बात करिए, वो तो हर कदम पे आपका साथ देते हैं। और हमारी मानिए तो दादाजी के सामने अकेले कुछ करने की कोशिश भी ना करिएगा। सौम्य भैया तो अब सुनने से रहेंगे, अब जो कर सकते हैं वो सेठ जी कर सकते हैं। चमेले चाय लेकर आ, ताकि कुछ तो दिमाग काम करे। शांति से बैठिए, हम अभी चाय लेके आ रहे हैं। चमेली ठीक कह रही है, अब मुझे अभय से ही बात करनी होगी। हाँ, अभय सौम्य को रोकने में मेरी मदद कर सकते हैं। काम्या? अभय, तू मुझे बाद में फोन करना, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। नहीं नहीं अभय, तू मेरे मुझसे बात करो प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, अब किस बात की टेंशन हो गई तुम्हें? अभय, वो परी की दानी माँ, वो सुरेखा ने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। उसने सौम्य को 40 दिनों का वक्त दिया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम ही सौम्य को रोक सकते हो, प्लीज कुछ करो। वो लोग हमारे सौम्य से बदला लेना चाहते हैं और मैं अपने बेटे को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। आप भी रोक सकते हो सौम्य को प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगा। सच तो ये है कि इस मामले में मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने कह दिया ना, मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं कुछ नहीं करूंगा। भौजी की सारी बातें अब मेरी समझ में आ रही हैं। इंसान को अपने पापों का हिसाब किताब इसी दुनिया में रहकर करना पड़ता है। अपने किए का प्रायश्चित करने के बाद ही मन से पाप का बोझ हटता है। सौम्य ने परी को अपना जीवन साथी बनाया, जन्म जन्म साथ रहने की कसमें खाई, लेकिन इसके बदले में परी को क्या मिला? दुख, दर्द, तिरस्कार। सच तो यह है कि सौम्य परी को अपनी जिंदगी में सिर्फ तड़पने के लिए लाया था, सिर्फ तड़पने के लिए। और अब परी को पाने के लिए सौम्य को भी उसी तड़प से गुजरना होगा, और यही उसका सच्चा प्रायश्चित होगा। काम्या, मैं सौम्य को हरगिज नहीं रोकूंगा। क्या हो रहा है मिस्टर आदित्य? एक तरफ तो आप अदालत में तलाक की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसे सौम्य पराशर को अपनी बहन से मिलने का वक्त दे रहे हैं, पैचअप का मौका दे रहे हैं। देखिए मिस्टर बजाज, हम जानते हैं कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, पर हम दानी माँ का कहना नहीं टाल सकते। देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इस वक्त कोर्ट में केस हमारी फेवर में चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि डिवोर्स मिलने में और डिले हो जाए। वैसे भी कोर्ट रिश्ते तोड़ने की नहीं, जोड़ने की हिमायत करता है, और वैसे भी कौंसलर साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में पैचअप के बारे में ही कहा है। ऐसा ना हो कि हम लोग इधर केस लड़ते रह जाएं और उधर लोगों का पैचअप हो जाए। देखिए, ये सब करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बना बनाया केस बिगड़ सकता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आप ही कानूनी दांव पे अच्छी तरह जानते हैं, तो आप ही कोई रास्ता निकाल लीजिए। हाँ, कोई दूसरा रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बजाज केस जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं। एनीवे, आप मुझे एक दिन का मौका दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, चलता हूँ। थैंक यू।
चाहे कुछ भी हो जाए, 40 दिन, 40 महीने या 40 साल लग जाए, लेकिन मैं सौम्य को परी के जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। उनका डिवोर्स होके रहेगा। मुझे घर आ जाना। कल मैं परी से मिलूंगा। क्या कहूंगा उसे? रात बीत जाए और कल सुबह जल्दी से आ जाए, क्योंकि कल सुबह मैं तुमसे मिलूंगा, तुम्हें करीब से देखूंगा, तुमसे बातें करूंगा। नानी माँ ने 40 दिन देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम देखना, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा, सब कुछ याद दिला दूंगा तुम्हें। काम्या, मैं सौम्य को हरगिज नहीं रोकूंगा। क्या करूं? कल सौम्य को कैसे रोकूं? कैसे रोकूं मैं उसे? क्या करूं? सच तो यह है कि सौम्य परी को अपनी जिंदगी में सिर्फ तड़पने के लिए लाया था, सिर्फ तड़पने के लिए। परी को पाने के लिए सौम्य को भी उसी तड़प से गुजरना होगा, और यही उसका सच्चा प्रायश्चित होगा। तारी माँ, उस इंसान को और एक मौका दे रही है जिसने परी को मारने की कोशिश की थी। नहीं तारी माँ, सौम्य को और एक मौका नहीं मिलना चाहिए। तारी माँ, आप तो जानती है कि परी कितनी भावुक है, उसका दिल कितना साफ है। उसे किसी में कोई दोष नजर नहीं आता, वो तो किसी को भी माफ कर सकती है। हे भगवान, मैंने जो किया है वो सही हो। सौम्य के 40 दिन कल से ही शुरू होंगे। कल को अगर परी की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे ये पता चलता है कि हम लोगों ने जानबूझकर जबरदस्ती उसके तलाक करवाई है, तो क्या परी पलटकर हमसे जवाब नहीं मांगेगी कि अगर सौम्य सुधर गया था तो हमने एक मौका उसे क्यों नहीं दिया? आदित्य, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूं? कल सौम्य हमारे घर आएगा, हमारे ही घर में, हमारे ही आंखों के सामने, रोज एक घंटा। कल मैं ऑफिस लेट जा रहा हूं। मुझे भी यही लगता है कि कल हम सबने घर पर ही होना चाहिए, ताकि फिर से परी दीदी को कोई भी तकलीफ या नुकसान ना पहुंचे। प्रभु जी, प्रभु, मुझे लगता है सुरेखा जी का फैसला बिल्कुल सही है। अरे भाई, उन्होंने भी दुनिया देखी है,
उन्हें भी जिंदगी का तजुर्बा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेखा जी की पारखी नजरों ने सौम्य की आंखों में छुपा हुआ सच्चा प्यार देख लिया है। और वैसे भी रघु सच्चे प्यार की रोशनी में सारी गलतफहमियां, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, नहीं? जी मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं कि जिनके दिल में सच्चा प्यार होता है, भगवान उनका साथ जरूर देते हैं, है ना मालिक? कर दिल बेकरार है, कैसे तसल्ली दूँ इस बेकरारी को, उस पल का हर पल इंतजार है। ओ क्या कहूँगा तुझसे मिलके, बहुत है फसाने दिल के, जा मेरी तुझे है क्या पता। ये परी की फेवरेट शॉट है। इतना मैं दीवाना कब हो गया, हो दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। बजी तो तुम्हारे 40 दिन की कड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी। नहीं करते, सच्चा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तूने परी को देखा ना, 40 दिन की परीक्षा दी थी उसने, जीती। अरे उसने तो मौत को भी मात दे दी। फिक्र मत कर सब, तू भी जीतेगा बेटे। अरे मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं किस दिन काम आएंगी।
कल बिल्कुल फ्रेश मूड में एक बड़े इम्तिहान की शुरुआत करनी है तुझे।